राजस्थान में मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया करवाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चलाई गई है, लेकिन कोटा में निजी अस्पतालों में मरीजों को चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी से नाराज होकर कोटा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने CMHO कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने CMHO पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और ये कार्यालय में CMHO के नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार की ओर से चिरंजीवी योजना चलाई गई है, लेकिन इसका लाभ मरीजों को नहीं दिया जा रहा। इलाज के नाम पर मरीजों से पैसे वसूले जा रहे हैं। ओपेरा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना का लाभ लेने अगर कोई भी मरीज आ जाता है तो अगर वो चिरंजीवी योजना पंजीकृत भी है, उसके बावजूद ओपेरा हॉस्पिटल के मालिक जो महेश शर्मा जी हैं उनके द्वारा सारी फीस ली जाती है, बेड चार्ज लिया जाता है और जो भी फीस लेते हैं जो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आप लोग हॉस्पिटल प्रशासन नहीं ले सकता वो ली जाती है। उसके विरोध में जब मरीज वहाँ पर जाता है मालिक उनके वो उनके जो इंचार्ज उनसे मिलता है तो इंचार्ज साहब कहते हैं कि आपके तो कैंसर की गांठ है, झूठी बीमारी बता के गंभीर अवस्था में मरीज को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे यूथ कांग्रेस तरफ से हमने CMHO साहब को ज्ञापन दिया, जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश इनके द्वारा नहीं निकाल दिए जाते तो अनिश्चितकालीन धरने पे भूख हड़ताल पे हम यहाँ बैठे हैं, उठा नहीं जाएगा, चाहे डंडे मार लें चाहे लाठीचार्ज हो जाए कुछ भी हो जाए। इतना ही नहीं, अगर कोई मरीज शिकायत करता है तो उसे दूसरी बीमारी बताकर अस्पताल से या तो डिस्चार्ज कर दिया जाता है या फिर दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में मरीजों को कहीं से कहीं तक सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जिसके विरोध में अब यूथ कांग्रेस प्रदर्शन पर उतर आई है। यूथ कांग्रेस की ओर से मांग की गई है कि ओपेरा अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दूसरे अस्पताल भी चिरंजीवी योजना का लाभ मरीजों को देने के लिए बाध्य हों। खैर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ न मिलने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से ये योजना की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन जमीनी स्तर पर उस घोषणा का हाल कैसा है ये किसी से छुपा नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।